दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। चिकन खाया और ये हो गया। जैसे कि आपको मालूम है, चिकन खाने से रोजाना लाखों लोगों की मौत हो रही है। अब अगला नंबर कहीं आपका ना हो, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चिकन किस प्रकार आपकी बॉडी को इफेक्ट पहुंचाता है। कोरोना का तीसरा लहर भी चिकन से फैल रहा है। दोस्तों यूं तो इस दुनिया में एक से बढ़कर एक बीमारियां हैं, कुछ इंसान की जान ले लेती हैं, तो कुछ जिंदा इंसान को मौत का एहसास करा देती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसके बारे में बात करने से लोग कतराते हैं, और वो है नपुंसकता। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जैसे जैसे हम इंसान तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे पुरुषों में ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। पर क्या आप जानते हैं इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? असल में दोस्तों वो और कुछ नहीं बल्कि आपका पसंदीदा चिकन है। ये वही चिकन है जिसे खाने की वजह से हर साल कम से कम 60,000 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। ये वही चिकन है जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लड़के नपुंसक बन रहे हैं। ये वही चिकन है जिसकी वजह से 15 साल की लड़कियां 25 साल की नजर आती हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे, भला ये सब हो कैसे रहा है? तो दोस्तों इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये घटना 21वीं सदी की शुरुआत की है, जब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नपुंसकता के मरीज बढ़ते जा रहे थे। कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि पुरुषों में आखिर ये दिक्कत क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं भी काफी परेशान थी, क्योंकि उम्र तो उनके पहले ही शरीर में बदलाव करने लगी जो कच्ची उम्र में नहीं होता था। यहाँ तक कि उनके बच्चे पैदा होने से पहले खत्म होने लगे थे। और फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और शोध किए गए, जिसका नतीजा सुनकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि शोधकर्ताओं के अनुसार उनकी इस स्थिति का कारण कुछ और नहीं बल्कि चिकन था। जी हाँ, वो जिसे लोग स्वाद और तंदुरुस्ती के लिए खाते थे, वही इनकी बीमारियों का कारण बनता जा रहा था। दोस्तों शोध में ये बात सामने आई कि पूरी दुनिया में लोग जिस तरह चिकन को खा रहे हैं, उसके जरिए उनके शरीर में एक बहुत ही जहरीला पदार्थ पहुंच रहा है। एक ऐसा पदार्थ जिसे हम स्लो पॉइजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर करता जाता है। और ये पदार्थ कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक आर्सेनिक है। जी हाँ, ये वही आर्सेनिक है जो आपकी जुबान से अगर छू जाए ना तो आपके प्राण निकल सकते हैं। अब हर कोई यही सोच रहा होगा, भला ये जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में कैसे पहुंच रहा है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने आसपास के किसी पोल्ट्री फार्म में पहुंच जाइए। वही पोल्ट्री फार्म जहां मात्र 30 से 35 दिनों में ही मुर्गों को बड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर तो किसी भी मुर्गे को बड़े होने में कम से कम 150 दिन का वक्त लगता है। लेकिन पोल्ट्री फार्म वालों के पास तो जादू की छड़ी होती है ना, वो जिसे घुमाकर मात्र 1-1.5 महीने के आसपास ही मुर्गे को बड़ा करके लोगों के सामने पेश कर देते हैं। असल में दोस्तों जब आप पोल्ट्री फार्म में जाएंगे ना, तो आप वहां देखेंगे छोटी जगह पर हजारों की संख्या में मुर्गों को रखा जाता है। अब इतनी कम जगह पर इतने सारे मुर्गों की वजह से वहां पर तरह तरह के बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, जिसके कारण मुर्गों में कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, जो एक से दूसरे मुर्गों में पहुंचने लगती है। ऐसे में दोस्तों पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गों को इन्हीं अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए कई सारी एंटीबायोटिक दवाइयां देते हैं, जो कि उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत हम इंसानों को हो जाती है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, जो अगर बिना वजह किसी को दी जाए तो उसके शरीर पर इसके गलत असर पड़ने लगते हैं। लेकिन मुर्गों को तो बिना वजह ढेर सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ताकि वो पहले से ही बीमारियों से बचे रहे। और इसके अलावा मुर्गों को खाने के साथ साथ आर्सेनिक नाम का बहुत ही खतरनाक रासायनिक तत्व दिया जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक तत्व है जो अगर मुर्गों को खिला दिया जाए तो उन्हें खाना भले ही कम मिले, तब भी उनका शरीर लगातार बढ़ता चला जाता है। दोस्तों ये जो खतरनाक चीजें मुर्गों के शरीर में डाली जाती है ना, वो उनके मांस में जमने लगती हैं। ऐसे में जब उसी मुर्गे के लोग बड़े चाव से खाते हैं उसे, तो उसके मांस में मौजूद एंटीबायोटिक्स और आर्सेनिक इंसान के शरीर में पहुंच जाते हैं, और यही एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे पुरुषों में नपुंसकता का कारण बन जाते हैं। अब भले ही आपको हमारी बात बेतुकी लग रही होगी, और जिन लोगों को चिकन पसंद है वो तो इस बारे में सुनना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि हम अपनी मनपसंद चीज के बारे में कुछ भी खराब नहीं सुन सकते। पर दोस्तों ये बात 100% सच है, मुर्गों को जल्दी बड़ा करने के लिए और उन्हें बीमारियों से बचाए रखने के लिए एंटीबायोटिक और ग्रोथ हार्मोन की दवाइयां दी जाती है,
जो जब हम इंसानों के शरीर में पहुंचती है तो इसका बहुत ही गलत असर होता है। ना सिर्फ इससे पुरुषों में नपुंसकता बढ़ रही है बल्कि महिलाओं में भी हार्मोन्स का डिसबैलेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि लोगों का शरीर बिना किसी शेप के अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ने लगता है। और अगर चिकन को खाने से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो और भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पर ये मत सोचिए केवल चिकन खाने वाले लोगों को इससे खतरा है, बल्कि शाकाहारी खाने वाले लोग भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच सकते, क्योंकि जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वहाँ एक साथ कई सारे मुर्गे मुर्गियों को रखा जाता है जिनके द्वारा काफी सारा मल इकट्ठा होता है और उस मल में भी एंटीबायोटिक्स और आर्सेनिक मौजूद होता है। पर दिक्कत यह है कि वो जो मल होता है उन्हें कई सारे किसान खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसी से फल और सब्जियां उगाते हैं, जिसकी वजह से हम तक पहुंचने वाली फल और सब्जियां भी इस खतरनाक एंटीबायोटिक्स का शिकार बन जाती हैं, जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब आप सोच रहे होंगे भला इस सिचुएशन में कोई इंसान करे तो करे क्या? तो दोस्तों चिंता मत करो, सबसे पहले इन पोल्ट्री फार्म्स को बढ़ावा देना बंद कर दो जहाँ पर एक साथ कई सारे मुर्गे मुर्गियों को रखा जाता है, क्योंकि अगर इन्हें बढ़ावा नहीं मिलेगा तो अपने फार्म में स्वच्छता लाने की कोशिश करेंगे। और आप हमेशा ये कोशिश करें, आप देसी चिकन का सेवन करें जो कि प्राकृतिक तौर पर बड़ी होती है और उनमें किसी भी प्रकार की दवाइयां इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ तक कि आप फलों और सब्जियों को देख परख कर खरीदें, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो कम अशुद्धि वाली चीजों का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।